बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए चिकन के चपली कबाब की रेसिपी बनाऊंगी। इसे हम बहुत इजी और सिंपल तरीके से बनाएंगे। आप इनको बनाने के बाद एक महीने के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। फिर आगे रमजान आने वाला है तो इंशाल्लाह आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो उसके लिए यहाँ मैंने 800 ग्राम चिकन का कीमा लिया है। अब हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस डालना। 2 टीस्पून मैं इसमें रेड चिली फ्लेक्स डालूंगी। 1 टेबल स्पून ये देखिए मेरे पास कुटा हुआ धनिया है। 1 टेबल स्पून ही मेरे पास यहाँ कुटा हुआ जीरा है। 1/2 टीस्पून मेरे पास अजवाइन है। 1 टीस्पून मेरे पास गरम मसाला है। 2 टेबल स्पून मेरे पास अनारदाना है। सॉल्ट टू टेस्ट डालेंगे हम। 1 टेबल स्पून मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। हम इसमें कुछ वेजिटेबल डालेंगे। उसमें है मेरे पास ये देखिए एक बड़े साइज का टमाटर था, इसमें से मैंने इसके बीज निकाल दिए हैं तो ये मैंने बारीक बारीक इसे काट लिया है। ऐसे ये डाल देंगे। एक ही मेरे पास प्याज था, इसे भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 3-4 हरी मिर्चें हैं। इनमें हम रेड चिल्ली पाउडर नहीं डाल रहे, तो जो भी टेस्ट बनेगा वो हरी मिर्चों से और रेड चिल्ली फ्लेक्स से ही बनेगा। तो आप इसे अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। थोड़ा सा मेरे पास यहाँ सब्ज़ धनिया है, अब हम ये भी डाल देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें आप घी या फिर बटर डाल लीजिएगा। इससे हमारे कबाब जो होंगे वो बहुत सॉफ्ट बनेंगे। एक हम इसमें ये देखिए फेंटा हुआ अंडा डालेंगे। 1/2 कप यहाँ मेरे पास मकई का आटा है, ये डालेंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। कीमे में सारी चीज़ें मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर ली हैं। अब हम इन्हें फ्रीज करने के लिए बनाते हैं। ये देखिए हाथों पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। अब हम कबाब बनाते हैं। मैंने यहाँ इसमें मकई का आटा डाला है, लेकिन अगर आपके पास ना हो या आप डालना ना चाह रहे हो या कोई मजबूरी हो तो आप इसकी जगह बेसन लेके तो उसे भी ड्राई रोस्ट करके तो बेसन के भी 1/2 कप आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपका कीमा थोड़ा पतला है या कि जितना आपने डाला है मकई का आटा वो काफ़ी नहीं है तो आप 1-2 टेबल स्पून और डाल सकते हैं। अब हम इसका कबाब बना लेते हैं। ये देखिए ये साइज़ में थोड़े बड़े ही बनाए जाते हैं। ये देखिए कबाब हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ मेरे पास ये देखिए एक पार्चमेंट पेपर है, मैं इसके ऊपर यहाँ रख लूँगी। ये फ्रीज करने के लिए है। पेपर से ज़रा उठाने में आसानी हो जाती है। अब मैं ऐसे ही एक और बनाती हूँ। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से, कुटे हुए धनिए की, जीरे की। ये देखिए मैं दूसरा कबाब भी बना चुकी। अब हम इसे भी इसके ऊपर ही ऐसे रख लेते हैं। अब यहाँ मैंने एक कंटेनर ले लिया है, जो हमने कबाब बनाए हैं उनको हम उठा के तो यहाँ इसमें रख देंगे, उनको भी रख देंगे। इसको अच्छे तरीके से पैक करके तो हम 1 महीने के लिए इसे फ्रीज कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को बनाइएगा, ये रमज़ान में बहुत काम आने वाली चीज़ है। अभी इसे बना के फ्रीज कर लें, फिर जब भी बनाने हो निकालिए और इनको शैलो फ्राई कर लीजिए। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इस पर कबाब डालते हैं। हम चपली कबाब को तवे पे बना रहे हैं, तो अभी ये एक साइड से थोड़ा सा पक जाए तो फिर मैं इसे इसकी साइड चेंज करके तो इसे थोड़ा सा साइड पे करके दूसरा इसके ऊपर डालूंगी। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप चपली कबाब फ्रीज नहीं कर सकेंगे। उसके लिए आप ये कीजिएगा, तो आप ऐसे अलग अलग चपली कबाब बना के किसी भी ट्रे में रख के तो उन्हें फ्रीजर में रख दीजिएगा। जब वो अच्छे तरीके से सेट हो जाएं तो आप निकाल के उसे किसी भी कंटेनर में रख लें। आपको बटर पेपर की या पार्चमेंट पेपर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा बना है। अब हम इसे 1-2 सेकंड यहाँ देके तो इसे करेंगे साइड पे, फिर दूसरा कबाब डालेंगे। अब हम इसे साइड पे कर देंगे, यहाँ हम एक और बना लेंगे। तैयार हो चुके हैं हमारे कबाब। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए आप इनकी लुक चेक करें ज़रा, इतना प्यारा कलर आया है। टेस्ट करके अब मैं आपको बताती हूँ। बहुत मज़े के बने हैं, बहुत जूसी हैं। आपके कबाब बहुत जूसी और मॉइस्ट बने तो इसके लिए आप चिकन थाई का कीमा लीजिएगा, उससे आपके कबाब बहुत जूसी बनेंगे। अगर मेरी रेसिपीज आपको पसंद आ रही हैं तो आप एक प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं।
बहुत हेल्दी रेसिपी है और बहुत इजी एंड सिंपल है, आप इसे बनाइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।